मोबाइल फोन से कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं जिसमें मोबाइल में कुरान शरीफ डाउनलोड किया जा सकता है, उसको देखकर पढ़ सकते हैं, तो इस तरीके से पढ़ा जा सकता है या नहीं, एक सवाल। और दूसरा, क्या उसके लिए भी वुजू जरूरी है, क्योंकि मोबाइल तो हम जेब में ऐसे ही रखते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि मोबाइल में कुरान पाक महफूज कर दिया जाए तो उसकी तिलावत कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि उसकी तिलावत कर सकते हैं, और उसकी तिलावत पर भी वही सवाब मिलेगा जो कुरान पाक की तिलावत पर अज्र और सवाब मिलता है। रह गया दूसरा सवाल के वजू जरूरी है या नहीं, वजू उसको छूने के लिए जरूरी है कि नहीं है, तो इस सिलसिले में मैं एक बात अपने साहिल से यह जानना चाहूंगा कि कुरान पाक उसमें महफूज कैसे किया गया, क्या चीज डाली जाती है? सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर से, हाँ, कंप्यूटर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसी महफूज करते हैं, हाँ, मोबाइल में महफूज हो जाता है। अच्छा जी, या सब अच्छी से भी डालते हैं? हाँ, वो दोनों सोचते हैं इसमें जी, मेमोरी कार्ड के जरिए भी जी। सारे सूरत पहले आप इनको बताइए। पहले तो ये है कि आप किस तरह से उसको डाउनलोड कर रहे हैं, आपकी मोबाइल की मेमोरी में ही आप उसको डाउनलोड करके मोबाइल में ही सेव हो रहा है, एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि आप उसको बाहर से मेमोरी कार्ड में सेव करके फिर मेमोरी कार्ड उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ये दो सूरत। और कोई तीसरी सूरत हो सकती है? आप लोग ज्यादा बता सकते हैं, डेटा केबल से इंटरनेट से डाउनलोड, लेकिन वो सेव कहाँ होगा? मोबाइल में से वो रहेगा वही, ठीक है ना जी सर। दो सूरतें इसकी कुल हुई, बताया था आप लोगों ने तीन सूरतें, मगर मजमूई तौर पर इसकी सिर्फ दो सूरतें बनती हैं। अगर मेमोरी कार्ड या चिप्स के जरिए उसमें कुरान पाक को महफूज किया जाता है तो चिप्स या मेमोरी कार्ड ये अलग होता है और कुरान पाक उसी में महफूज होता है, और इसको जब मोबाइल में सेट करते हैं तो गोया मोबाइल उसके लिए बक्स की हैसियत रखता है। जैसे बक्स के अंदर कुरान पाक रख दिया जाए तो बक्स को छू सकते हैं, ऐसी मोबाइल में अगर मेमोरी कार्ड कुरान पाक का या चिप्स रख दिया जाए तो उस मोबाइल को भी बगैर वजू के छू सकते हैं। और अगर मोबाइल में ही सेट कर दिया, सेट करने को दो तरीके हुए जो आपने बताए, तो इन दो सूरतों में खुद मोबाइल में ही कुरान पाक महफूज हो गया, वो अलग से नहीं है, बल्कि मोबाइल में ही कुरान पाक सेट हो गया, वो कुरान पाक महफूज हो गया है, वो बक्स की हैसियत से नहीं है, बल्कि अब इसकी हैसियत एक तख्ती की बन गई कि जैसे तख्ती पर कुरान पाक कोई लिख दे तो उसको छूना ना जाए इस बगैर वजू के, ऐसे ही अब इस मोबाइल को भी बगैर वजू के छूना ना जाए। तो आपको फैसला कर लेना है कि आपके मोबाइल में कुरान पाक किस तौर पर महफूज है। अगर कुरान पाक खास मोबाइल में महफूज है और इसकी हैसियत तख्ती की बन जाती है तो ऐसी सूरत में बगैर वजू के आप मोबाइल को कभी भी नहीं छू सकते हैं। जब भी मोबाइल को छूना हो तो पहले वजू फरमाइए, इसके बाद मोबाइल को छूइए, इसका वही अदब और वही एहतराम महफूज रखना जरूरी है जो अदब व एहतराम कुरान पाक का महफूज रखा जाता है। और अगर आपने चिप्स या मेमोरी कार्ड के जरिए उसमें कुरान पाक को महफूज किया है तो मोबाइल की हैसियत सिर्फ एक कुरान पाक के बक्स की हुई और बक्स को छूने के लिए वजू की जरूरत नहीं है, लिहाजा इस सूरत में बगैर वजू के छू सकते हैं और पहली सूरत में बगैर वजू के नहीं छू सकते। तो अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो तब भी छू नहीं सकते? तो वही है, चाहे आप कुरान पाक को बोल करके छुए या बंद करके छुए, वो सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद।